कोरोना कर्फ्यू के चलते लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर रहने को मजबूर हैं। वे अपने आप को आज के समय में अकेला महसूस कर रहे हैं। यही अकेलापन उनके डिप्रेशन का मुख्य कारण है। ये जानकारी मनोवैज्ञानिक कुशल वर्मा ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि लगातार समूचे भारतवर्ष में डिप्रेशन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से सभी की दिनचर्या प्रभावित हुई है। सभी आर्थिक तंगी से होकर भी गुजर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से भी अपने दुख को दूसरे से बांट नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से प्रभावित होंगे या नहीं ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारतवर्ष में हर छठा व्यक्ति डिप्रेशन जैसी बीमारी से जूझ रहा है। उनकी चिंताएं उनके दिमाग पर हावी हो रही हैं। आने वाला भविष्य कैसा होगा ये डर उन्हें सता रहा है। इसके लिए डिप्रेशन को दूर करना बेहद आवश्यक है। अधिक जानकारी देते हुए मनोवैज्ञानिक कुशल वर्मा ने बताया कि लॉकडाउन होने की वजह से अब लोगों को एकाकीपन सताने लगा है। उन्होंने कहा कि पहले लोग अपने दोस्तों से मिल पाते थे, अपने रिश्तेदारों से अपना दुख सुख बांट लिया करते थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से सभी से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वे मानसिक रूप से परेशान रहने लग गए हैं। सोनल अस्पताल में मानसिक रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि मुंबई नगरी में भी एक स्टार ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली है। हिमाचल में भी आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसका मुख्य कारण है हम लोगों से मिलकर अपने सुख दुख बांट नहीं पा रहे हैं। इसके लिए हमें अपने आप को हर हालत में खुश रखना होगा। अपने आप को व्यस्त रखना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अपनी चिंताएं अपने दोस्तों को बताएं, तभी हम इस डिप्रेशन जैसे गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि 2-3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, उसकी वजह से मानसिक जो परेशानियां या मानसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अभी हमारी ओपीडी में भी हमारे जो डेली पेशेंट वो इन चीज़ों के जैसे इन बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंट आने शुरू हो गए हैं। मेन रीज़न लॉकडाउन की वजह से है कि लोगों को अकेलापन बहुत ज़्यादा हो गया। लोग घर में बंद हो गए तो अकेलापन, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोगों के साथ सोशल जो कॉन्टैक्ट होने चाहिए थे, जो दोस्तों के साथ बातचीत हो और मिलना जुलना, वो काफ़ी कम हो गया। इस वजह से कई दूसरी तरह की मानसिक परेशानियाँ शुरू हो गई हैं, जैसे कि पैनिक डिसऑर्डर हो गए, आपकी एंग्जाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन। अभी हाल में एक आर्टिकल छपा था जिसमें कि ये पाया गया कि जो हमारी मानसिक परेशानी या मानसिक विकार या मानसिक जो रोग थे उसमें लगभग 30% बढ़ोतरी पाई गई भी इन 2 महीनों में जो भी लॉकडाउन के बाद ही हुआ है। और उसकी वजह से जैसे अभी आप में भी एक न्यूज़ भी सुनी होगी जो काफ़ी हाईलाइट रही थी कि एक स्टार थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया। मेन रीज़न चाहे उनको कुछ भी रहा होगा, लेकिन डिप्रेशन की वजह से अभी हाल ही में भी हिमाचल में भी काफ़ी ज़्यादा सुसाइड रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। तो मेरा सबसे यही अपील है कि इस लॉकडाउन को ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस अपने कम से कम करें, अपनी दिनचर्या को मेंटेन रखें। जैसे रूटीनली जो आपका पहले से रूटीन बना होता, जैसे सुबह उठना, अपना काम करना, अपना व्यायाम योगायाम जो दूसरे हैं वो आप कर सकते हैं। कोई आप अपनी जो आपका अपना कोई पसंदीदा कोई म्यूज़िक है, पसंदीदा कोई बुक्स है, आप वो रीड कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। जहाँ तक हो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, चाहे अपने फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं या फैमिली मेम्बर हैं। इन अभी लॉकडाउन की वजह से इन सब चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम आने लगी है। पैनिक डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और डिप्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। तो मेरी तो सबसे यही अपील रहेगी कि स्ट्रेस को कम से कम करें, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है, बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम लगती है, तो आप अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र या जो भी मनोचिकित्सक है उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं।